का फायदा करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया, का फायदा करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया। स्कीमें डालते हैं, जब वोट ले लें उसके बाद सारी स्कीमें बंद, तो ये चल रहा है जी। दोनों सरकारों की नीतियां एक सी हैं, कहीं फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस की। मील बढ़िया चल रही थी लेकिन सरकारों की वजह से मील को बहुत बड़ा ताला लग गया। सारे काम इसी मील के बंद होने के कारण ठप हुए हैं। मजदूरों का सबसे ज्यादा जो है मजदूरों का नुकसान हुआ है इसमें। हनुमानगढ़ शहर में सुनने को मिलती थी स्पिनिंग मिल के सायरन की आवाज़, अब अतीत में बदल चुकी है। सायरन की आवाज़ बंद हो चुका है यह सायरन, और स्पिनिंग मिल के बंद होने के बाद सायरन की आवाज़ अब खो चुकी है। और स्पिनिंग मिल बंद के कारण हनुमानगढ़ के लोग क्या सोचते हैं और मजदूरों के सामने किस प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो गई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और पार्टियां इसके प्रति अनदेखी करती है नज़र आ रही हैं। इसीलिए तो स्पिनिंग मिल दोबारा शुरू होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए आपको सुनाते हैं हनुमानगढ़ शहर के लोग क्या सोचते हैं स्पिनिंग मिल बंद होने के बाद, और शुरू होने का कैसे अभी भी कर रहे हैं इंतज़ार। ऐसा है कि जो आप नुकसान की बात कर रहे हो, तो स्पिनिंग मिल में करीब करीब 3,000 से ऊपर जो हनुमानगढ़ ज़िले के नौजवान पढ़े लिखे जिनको नौकरियां सरकारी नहीं मिली वो इसमें काम कर रहे थे, और 3,000 का मतलब है करीब 10,000 परिवार जो उससे जुड़े हुए थे। और क्योंकि मजदूर का एक मजदूरी करने का या नौकरी करने का अपने परिवार का जीवन यापन ही करना होता, तो जो तनख्वाह करोड़ों रुपए जो महीने की तनख्वाह जब मजदूरों में मिलती थी, तो उस पैसे से यहाँ इस अपने हनुमानगढ़ के बाज़ार में रौनक आती थी, व्यापारियों का रोजगार चलता था, और उसी से पूरे यहाँ हनुमानगढ़ में बढ़िया चहलकदमी थी। जब भोंपू बोलता था तो यूँ लगता था कि हम कोई मॉडर्न सिटी में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ और कोई कारखाना था नहीं। और इसी के चलते एक बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है हमारे यहाँ के किसानों का। अगर आप देखें तो पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर दो ही ज़िले हैं जहाँ नरमे का कपास का उत्पादन होता है, और हनुमानगढ़ में तो जो हमारा सूरतगढ़ है उसको तो कॉटन सिटी चैनल के नाम से मशहूर था। कॉटन सिटी का मतलब नरमे का शहर, सफ़ेद सोना इसको बोलते हैं, उसके नाम से मशहूर था। और उस वक्त जब यहाँ मील थी तो नरमे के भाव भी बड़ी तेज़ी में थे। सरकारी भाव उस वक्त 4500 रुपये था, उस वक्त भी नरमा यहाँ 6,000 रुपये से ऊपर बिकता था। और जब से मील बंद हुई है उससे नरमे का भाव भी डाउन चला गया, तो काफ़ी बड़ा नुकसान किसानों को भी हुआ है, इस इलाके के नौजवानों को, मजदूरों को जो रोज़गार मिल रहा था उनका भी बड़ा पैमाने पर नुकसान हुआ है। मील शुरू होने का तो देखिए बड़ा फायदा है, लेकिन असल में सच्चाई ये है जो जनता को समझनी चाहिए। ये 16 में वसुंधरा राजे की सरकार में ये मील बंद हुई, उस वक्त बड़ा यहाँ एजिटेशन हुआ, यहाँ तमाम जो लोग थे मजदूर संगठन थे, उसके अलावा बड़ी सहानुभूति रही इलाके के लोगों को भी, उसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल रहा। हमने बाजार भी बंद करवाए तो व्यापारी वर्ग भी शामिल रहा, क्योंकि उनको पता था कि ये जो यहाँ तनख्वाह मिलती है, मजदूरों को रोजगार मिलता है, उसी का पैसा बाजार में इन्वेस्ट होता है, यहाँ आता है। तो पूरे इलाके के लोग लगे उसमें, हमने आंदोलन किया, तब जाकर 168 लोगों को जो बचे थे उनको हमने समायोजित सरकारी अन्य विभागों में करवाया। नफे नुकसान की बात तो यह है कि सरकारों की मंशा नहीं है। अभी देखिए आप, कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय ये कहा है, मतलब यूं लग रहा था बड़ा हवा मंडल बनाया कांग्रेस ने, जैसे अभी उसको स्टार्ट करने ही जा रहे हैं, बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया जो उस वक्त के नेता थे उनके, बड़ा यूं हर्षोल्लास से मनाया और बढ़िया उसका प्रोवाइड किया कि जी देखो जी मिल चल रही। ऐसा नहीं है, असल में सरकार की, दोनों सरकारों की मंशा मिल चलाने की नहीं है। इसको प्राइवेट देना था उसी वक्त भी, लेकिन वो एजिटेशन हो गया। अभी कांग्रेस की सरकार इसको प्राइवेट चलाएगी, 12-12 घंटे की दो शिफ्टों में काम चलेगी, ऐसा नहीं हम नहीं कह रहे नहीं चलेगी। मजा तो तब है जब सरकार सरकारी हिसाब से चलाए, सरकार के हिसाब से चलाए, तीन शिफ्टों में काम हो, मजदूरों को पूरा उनका ग्रेच्युटी मिले, सामाजिक पेंशन, सुरक्षा, PF, ये सारी सुविधाएं मिले जैसे पहले चल रही थी, फिर तो मानने की सरकार की है। अब जब प्राइवेट ही चलानी तो कोई चला लेगा। 16 करोड़ रुपए की मशीनें नई इसमें बड़ी है,
लेकिन सरकार की इच्छा चलाने की नहीं। हाँ, अगर यहाँ मिल चलती है तो हमने एक मांग और की थी मिल के साथ साथ। ये आप मानिए कि पूरे एशिया के अंदर सबसे उत्तम धागा जो था वो हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल का था। बकायदा इसको रिकॉर्डली इनाम भी मिले हुए हैं, इसका दर्ज है। तो यहाँ कपड़ा मिल की भी हमने डिमांड की थी कि यहाँ कपास बहुत ज्यादा है, परिवहन नहीं करना पड़ता, यहाँ लोकल कपास है, अच्छे भाव मिलेंगे किसानों को, बढ़िया यहाँ धागा बनेगा तो बढ़िया यहाँ कपड़ा भी बनेगा। कपड़ा अगर मिल लगती है तो हनुमानगढ़ के लिए इससे बड़ी सौगात कोई नहीं हो सकती, अगर सरकार देना चाहे। लेकिन दे नहीं अभी आप। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, अभी देखिए पूरे 5 साल निकल गए कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भी योजना उन्होंने पहले नहीं थी। जैसे ही चुनाव आए, चुनाव आते उन्होंने बड़े बड़े घोषणा पत्र शुरू कर दिए। भी आपकी तो सरकार थी 5 साल से, अगर आप जनता का फायदा करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया, चुनाव के वक्त क्यों नहीं? वो एक कहावत है बागड़ी में कि पशु को जब भी अच्छा नीरा चारा डाला जाता है जब उसका दूध निकालना होता है, जब दूध नहीं निकालना हो ना, पशु बाखला हो जाए, दूध नहीं दे, तब वो नीरा चारा नहीं डालते। ये हनुमानगढ़ की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के साथ दोनों सरकारें कर रही है। जब वोट लेने होते हैं तब ये स्कीमें डालते हैं, और जब वोट ले लें उसके बाद सारी स्कीमें बंद। तो ये चल रहा है जी, दोनों सरकारों की नीतियां एक सी हैं, कहीं फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस। मजदूरों के नेता शेर सिंह यही कहते हैं कि 3,000 मजदूर यहाँ काम करते थे, 10,000 परिवार जुड़े हुए थे, वहीं हनुमानगढ़ का व्यापार इस स्पिनिंग मिल के कारण खुशहाल था। स्पिनिंग मिल जैसे ही बंद हुई और मजदूरों की मजदूरी गई, साथ ही 10,000 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ और हनुमानगढ़ का बाज़ार भी प्रभावित हुआ है। किसानों का नरमा जो महंगा बिकता था उसके अंदर फर्क आया, नरमा सस्ता बिकना शुरू हुआ। साथ ही अगर स्पिनिंग मिल चालू कर दी जाए और यहाँ पर कपड़ा बनाने की फैक्ट्री सरकारी लगा दी जाए तो हनुमानगढ़ ज़िला विश्व के औद्योगिक क्षेत्र के पटल पर वापस पटरी पर आ सकता है। जब मजदूरों से बातचीत की गई, जो मजदूर स्पिनिंग मिल के अंदर काम करते थे उनका इस स्पिनिंग मिल के बारे में, कैसे चलती थी स्पिनिंग मिल और बंद होने से क्या हुए नुकसान, आगे उनकी क्या है सोच, चलिए उनकी बात भी सुन लेते हैं। मैं 2006 में स्पिनिंग मिल में लगा था और 2012 के करीब मैंने छोड़ दी थी। 7-8 साल काम किया और ठीक थी मिल, बढ़िया चल रही थी, लेकिन सरकारों की वजह से, सरकार के गलत नीतियों की, बीजेपी की सरकार की वजह से मिल को बहुत बड़ा ताला लग गया। हमने आंदोलन भी बहुत किए लेकिन अभी तक वो ताला खुला नहीं है। कांग्रेस सरकार ने वादा तो कर दिया लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया। आपको लगता है ताला खुल सकता है? ताला खुल सकता है अगर यहाँ CPM का विधायक बनता तो। हनुमानगढ़ में अगर लाल झंडे के सिपाही जीत कर जाएंगे तो स्पिनिंग मिल खुलने के चांस हैं, और कांग्रेस या बीजेपी का बनता है तो मुश्किल है। कांग्रेस बीजेपी तो हर साल मजदूरों के साथ, किसानों के साथ धोखा करती है और आगे भी करेगी। नुकसान है जी मजदूर, खास करके जो मजदूर वर्ग है हनुमानगढ़ में, और नुकसान तो सब वर्ग को हुआ है। मिल चलती थी, मिल में लगभग शुरू में 1500-1800 लोग काम करते थे, कुछ परमानेंट थे, कुछ हमारे जैसे पल्लेदार भी वहाँ रुई का काम, उतारने का काम और काम भी प्राइवेट वजह से भी चलता था, लेकिन वो सारे काम इसी मिल के बंद होने के कारण ठप हुए हैं। मजदूरों का सबसे ज़्यादा जो है मजदूरों का नुकसान हुआ है इसमें। तो सरकारों का तो ये है जी, सरकारों ने तो बंद करनी थी वो करके दी छोड़, और मजदूर अब दर बेदर भटक रहे हैं। इसमें तमाम जो व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, मोहल्लों के दुकानदार हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो जो मिल का पैसा आता था वो सारा का सारा अब नहीं आ रहा है, तो मजदूर भी दर बेदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी हनुमानगढ़ में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है कि जो ये यहाँ के विधायक जो जीत के जाते हैं वो सोचें कि यहाँ कोई बड़ा प्लान लगे, यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, ताकि यहाँ की जो मजदूर वर्ग है उसको कुछ राहत मिले। मजदूर अभी 2 साल से यहाँ किसान आंदोलन के बाद यहाँ मंडियों के भी हालत खराब है, क्योंकि जो अनाज वो सीधा का सीधा ही चला जाता है, मजदूर के हाथ कुछ नहीं लगता, मंडियों के मजदूर बिखर गए, सारा तामझाम फेल हो रहा है। मिल तो शुरू होनी चाहिए, मिल शुरू हो जाएगी तो मजदूरों का व्यवसाय बढ़ेगा। हम तो मजदूरों के लिए लड़ते हैं, CI2 के मेंबर हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं और लाल झंडे के सिपाही हैं, लाल झंडे की बात करते हैं। अगर कोई अच्छा
विधायक यहाँ से जो मजदूरों की बात, किसान की बात करने वाला जाए विधानसभा में बोले तो उनका भला हो सकता है। और मिल को तो चलना है, मिल चल जाए तो बहुत से मजदूरों का रोजगार उनके हाथ में आ जाए, ताकि उनकी जो रोजी रोटी का है वो अच्छे तरीके से चल सके। खाली भाषण देने से या ऐसी बातें करने से मजदूर का पेट नहीं भरता। धन्यवाद। नायब सिंह CITU का जिले का मेंबर। हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल बंद होने के बाद आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, ज्ञापन भी गए और सरकारें भी बदलती गई। BJP के बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस 5 साल तक सत्ता में रही और चुनावी वर्ष के लास्ट के अंदर स्पिनिंग मिल को चलाने की बातें तो हुई, लेकिन स्पिनिंग मिल का ताला नहीं खुला, आज भी बंद है ताला। मजदूरों को इसका ताला खुलने का इंतजार है, व्यापारियों को इसके ताला खुलने का इंतजार है। बाज़ार के अंदर जो दुकानदार हैं, फुटकर दुकानदार हैं, मोची हैं, चाहे दर्जी है, नाई है, सबको इंतजार है इस स्पिनिंग मिल के ताला खुलने का, क्योंकि ये जो उद्योग धंधा था इसके साथ साथ व्यापारी जुड़े हुए थे और बाज़ार पूरा इससे प्रभावित हुआ है। वह भी इसी इंतज़ार में है कि कब स्पिनिंग मिल का ताला खुले और हनुमानगढ़ के अंदर कपड़ा लगाने की सरकारी मिल अगर लगा दी जाए, स्पिनिंग मिल शुरू कर दी जाए, तो यहाँ का व्यापारी, यहाँ का बाज़ार, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग खुशहाल हो सकते हैं। इंतज़ार इसी बात का है कि इसका ताला कब खुलेगा। अब सरकार नई बनने वाली है, देखते हैं नई सरकार इसके अंदर क्या कुछ कर पाती है या फिर स्पिनिंग मिल का ताला जो वर्षों से बंद है वह बंद का रहता है, या फिर सरकार बनने के बाद खुलने का कोई काम होता है। तमाम बातें ऐसी देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।